वेट एनी फर्दर एंड लेट्स क्विकली वजन टू दीडियो पहला क्वेश्चन हमेशा यही आता है तो पैसे चाहिए अगर आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं मैंने जो अपना चैनल स्टार्ट करा था वो मैंने सिर्फ तीन सौ रुपए का एक ट्राईपोड लिया था और एक माइक लिया था वो भी तीन सौ चार सौ रुपए का ही था एंड बस अपने फोन से वीडियो बनाकर मैं यूट्यूब पर डालने लगी थी एंड सो कैन यू यू डोट नीड फैंसी रिंग रिंगलाइट अब मेरे पास इतना अच्छा सेटअप है रिंग रिंगलाइट है कैमरा है ये माइक है बट वो मैंने तब लिया है जब मैं यूट्यूब से अर्न करने लगी हूँ अपने पैसे स्टार्टिंग में ही हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते हैं अनलेस हमें, हमें अच्छा खासा रेवेन्यू आ सकता है यूट्यूब को हमेशा अपने बिजनेस की तरह ट्रीट करो बिजनेस की स्टार्ट में कभी भी हम बिना रेवेन्यू को जाने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं वैसे ही सेम हमें यूट्यूब के साथ करना है जैसे ही आपका चैनल मोनिटाइज हो जाए तब अपना आप कैमरा भी ले लो रिंगलाइट भी ले लो बट उससे पहले

एंड आजकल तो वैसे भी काफी अच्छे अच्छे मोबाइल फोन आ गए हैं मैंने जो स्टार्ट करा था वो रेडमी नोट सेवन था से के अंदर ही इतने सारे मोबाइल है स्मार्टफोन्स है जिनका कैमरा बहुत अमेजिंग होता है so, जो आपके पास रिसोर्सेज ऑलरेडी उनका यूज करो एंड स्टार्ट योर जर्नी ऑन यूट्यूब जब आपके पास अपना पूरा सेटअप हो जाए ट्राईपोड फोन माइक हो जाए उसके बाद सिलेक्ट योर नीश नीश इज बेसिकली अ कैटेगरी जिसके अराउंड आपकी वीडियोस रिवॉल्व करेंगी फॉर एग्जांपल मैंने जो अपना चैनल स्टार्ट करा था वो डी ब्यूटी इन सब में मैंने स्टार्ट

आप भी बोर ना हो अपनी एक पर्टिकुलर नीश से जब आप अपनी नीश सिलेक्ट कर लो देन राइट योर वीडियो स्क्रिप्ट वीडियो स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने भी यहाँ पर अपने सारे पॉइंट्स लिख कर रखे हैं जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, सिर्फ पॉइंटर्स लिखो ऐसा नहीं कि पूरा ए एंड दा सब कुछ आप लिखने बैठ रहे हो एक-एक वर्ड -एक लिखने बैठ रहे हो बट एटलीस्ट राइट मेन पॉइंट एंड मेन पॉइंट से मेरे को ध्यान आया इंट्रोज जो हो वो बहुत ज्यादा हो. हो इंट्रो में ताकि आपकी जो इंट्रो है वो बोरिंग न हो एंड लोग वो स्किप न करें अगर लोग आपकी स्टार्टिंग की वीडियो स्किप करके बीच के पोर्शन पे आते हैं तो आपका जो सी टी आर होता है वो कम हो जाता है एंड उससे फिर यूट्यूब आपकी वीडियो कम पुश करता है एंड वी डोंट वॉन्ट दैट सो अपने इंट्रोज काफी ज्यादा कैची रखो एंड ऑल्सो एक अभी यूट्यूब का अपडेट आया है हमने जो है वो अब इतने ज्यादा जरूरी नहीं रहे जितने की पहले रहते

के स्टार्टिंग में या तो ब्लूपर्स डाल दो या फिर कुछ क्लिप्स ऐसी डाल दो जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है आपकी वीडियो का या फिर अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग इतनी करो कि आप वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक कैची हुक लगा दो जैसे कि मैंने इस वीडियो के इंट्रो में करा था एंड स्क्रिप्ट बनाने से एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपने टॉपिक से भटकते नहीं है अब मान लो कि मैंने इस पूरे वीडियो में अगर कोई भी मैंने टॉपिक्स नहीं लिख रखे होते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे क्या बोलना है और जो मेरे मन में आ रहा होता मैं वही बोल रही होती और उस चीज से मेरे को एडिटिंग में भी दिक्कत आती और सामने ऑडियंस को सुनने में भी बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है वो लेकिन अगर आप अपनी शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो रखोगे जितने भी है, भी हैं, जितनी है, वो वो कर दोगे, उतने ही में वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है Because आजकल वैसे भी जो audience का है, है, वो थोड़ा सा कम जाते हुए लग रहा है। तो आप ये कोशिश करें कि अपनी लॉन्ग वीडियो content, so, हम अपनी बना रहे हैं एंड लॉन्ग वीडियो से ही हम अपनी शॉर्ट वीडियो भी बना सकते फॉर एग्जाम्पल दिस वीडियो इज असटीन बाई नाइन का रेशियो जो की यूट्यूब का लैंडस्केप फॉर्मेट होता है उसके लिए होता है बट इफ आई वॉन्ट टू रिसाइज माई विडियो इन नाइन बाई सिक्सटीन का फॉर्मेट आई विल डू दिस तो इससे मेरी वीडियो जो है वो रिसाइज हो जाएगी एंड हाउ आई डू इट आई डू इट ऑन कैनवा अगर आपको इसका एक अलग से ट्यूटोरियल चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड आई लेट यू नो सो कमिंग बैक टू द पॉइंट आप एक ही वीडियो से काफी सारा बना सकते हो फॉर आई डूइंग टू मेरे पास सिर्फ सैटरडे और संडे होता था जब मैं फ्री होती थी यूट्यूब के लिए तो so, मैं सैटरडेज को अपना शूट करती थी एक दो वीडियो में शूट करके रख लेती थी एंड सैटरडे की रात को ही एडिट करती थी प्लस संडे की मॉर्निंग को एडिट करती थी एंड देन वॉट आई डिड वॉल्स अगर मैंने एक वीडियो बना रखा की है लॉन्ग फॉर्म कोई भी हॉल हो गया कोई भी मेकअप uh, वीडियो हो गई तो उसी के अपने रील्स में डाल दूंगी ताकि मैं इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव रहूं पर भी तो से कितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स एंड वॉच टाइम गेन हुआ है ये yes, शॉर्ट्स का जो वॉच टाइम है वो भी कैलकुलेट होता है हमारे यूट्यूब के वॉच टाइम में तो अगर आप अपना चैनल स्टार्ट कर रहे हैं आई वुड सजेस्ट यू टू पोस्ट मोर शॉर्ट

एक्सेप्ट यूट्यूब इज मेकिंग लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट तो अगर किसी को लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट देखना हुआ तो वो कहा जाएगा दे विल गो ऑन यूट्यूब एंड अगर आप यूट्यूब सिर्फ शॉर्ट्स डाल रहे हैं लॉट ऑफ व्यूअर्स ऑल्सो वैन यूर स्टार्टिंग आउट कंसिटेंसी इज द की आई वॉज एबल टू मोनिटाइज विद इन टू मंथ स्टार्टिंग माई चैनल बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंटली पोस्टिंग ऑन यूट्यूब मैं बहुत ज्यादा वीडियो नहीं डाल रही थी तब तो शॉर्ट्स भी नहीं थे आई वॉज जस्ट पोस्टिंग लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट एंड आई ग्रू सो मेनी सब्सक्राइबर्स सो मेनी वॉच टाइम ऑब्वियसली बिकॉज फोर थाउजेंड आर्स का वॉच टाइम मेरा कंप्लीट हो गया था विद इन टू मंथ जस्ट बिकॉज आई वॉज कंसिस्टेंटली एंड मोर एंड मोर पीपल वर बिकॉज़ मैंने सही टाइम पर सही डाला प्लस हर हफ्ते डाला तो so मैं हर संडे सुबह बजे एक वीडियो डालती थी, मैंने सिर्फ या नौ वीडियो डाली थी बिफोर मोनिटाइजिंग शॉक बट इफ आई कैन डू इट सो कैन यू सो या प्लीज स्टिक टूअर शेड्यूल अपना एक शेड्यूल बना लो तो so अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक यूट्यूब डाल सकते हो तो सिर्फ एक वीडियो डालो एंड देन तीन शॉर्ट्स

एंड तभी तभी के तभी लोग ज्यादा भी देखते हैं यूट्यूब वीडियो एंड बाकी दिन आप शॉर्ट्स डालो जो अभी मेरा कॉन्टेंट कैलेंडर बना हुआ है तो मैं हफ्ते में तीन वीडियो डाल रही हूँ संडे ट्यूजडे एंड फ्राइडे एक ही टाइम पर आती है सुबह ग्यारह बजे प्लस सुबह और शाम को मैं एक एक शॉर्ट्स डालती हूँ ताकि वो जो कंसिस्टेंसी है जितना मैं कॉन्टेंट ज्यादा पुश कर पाऊँ उतना मेरे लिए अच्छा है एंड आई एम अ फुल टाइम कॉन्टेंट क्रिएटर दैट्स वाई आई कैन डू इट बट अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं या फिर आप स्कूल में है या फिर कॉलेज में है डोंट मिस आउट ऑन योर स्टडीज और योर जॉब बिकॉज दैट इज Your main thing as of now. को हमेशा साइड में लेकर चलना जॉब या कॉलेज है या स्कूल है तो वो आपकी प्रायोरिटी है अभी डोंट मेक यूट्यूब योर करियर बहुत सारे लोग ये बहुत गलती करते हैं कि यूट्यूब को अपना करियर मान लेते हैं कि हमें तो बस यही करना है आई नो आई कैन फील दैट बिकॉज आई एम डूइंग इट फुल टाइम तो मैं अब बहुत इजिली बोल सकती हूँ ये मत सोचना बट ट्रस्ट मी ये कभी भी मत सोचना कि आप यूट्यूब को अपना करियर बना लोगे पहले अपनी पढ़ाई पे फोकस करो एंड इफ यू आर डूइंग अ जॉब जॉब पे फोकस करो डूइंग यूट्यूब as अ पार्ट टाइम हमेशा यूट्यूब को पार्ट टाइम बिजनेस की तरह ही ट्रीट करना एंड ट्रस्ट मी अगर आपका वो passion है, अगर आपकी डेडिकेशन है यूट्यूब पे एंड सबसे ज्यादा जरूरी आपका अगर कंटेंट अच्छा है तो यूट्यूब पे आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे आज नहीं तो कल हो जाओगे बट तब तक के लिए जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते हो यूट्यूब को मेन अपनी प्रायोरिटी बनाकर मत चलना ऑल्सो जब आप यूट्यूब पर आ जाओ टॉप अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट विच यू आर मेकिंग लाइक अगर मैं हॉल बना रही हूँ तो मैं हॉल वीडियो में दूसरों की नहीं देखती हूँ अगर मैं व्लॉग्स बना रही हूँ तो मैं, दूसरों के नहीं देखती Because अगर मैं वो वीडियो में कंसिस्टली देखती रहूंगी ना, तो मैंने आपको कंपेयर करने लगूंगी मैंने भी तो ये वाली वीडियो बनाई है लेकिन उसकी ज्यादा चल गई मेरी तो नहीं चली एंड सो लाइक वो बहुत ज्यादा कंपीटिंग एनवायरमेंट क्रिएट हो जाता है एंड वो आपके लिए हेल्थी भी नहीं रहता है सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर यूट्यूबर्स एंड दी लास्ट एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज हैव फन मेकिंग अगर आपको वीडियो बनाने में मजा नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है यूट्यूब को अपना करियर बनाने का रूम अकेला खाली है कैमरे से बात करनी है और हम बोर हो रहे हैं तो वो आपके में दिखेगा बट अगर आप वही सेम चीज बहुत मजे लेकर करोगे एकदम चिल आउट होकर करोगे बी की तरह तो आपको बहुत मजे आने वाले हैं अपनी यूट्यूब जर्नी में एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट जो भी लोग अपना चैनल स्टार्ट करने वाले हैं ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में माई गुड विशेष टू यू ऑल और इसी बात पे खत्म करते हैं ये वाली वीडियो आई होप के आपको ये पसंद आई hope and इससे आपको कुछ वैल्यू मिली हो एंड अगर मिली है देन यू नो व्हाट टू डू लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल chillbee आई विल मीट यू गाइस इन एन अमेजिंग वीडियो सुपर सून तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हैप्पी एंड अ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू बाय